ग्रामीण विकास, पंचायती राज व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। विपक्ष हमेशा नए नए मुद्दे खोजने का काम कर रहा है। जयराम सरकार के 2.5 साल में इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला है। इस समय इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कंवर ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष आरोप लगाने का काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी है, कोई भी किसान इनके साथ खड़ा नहीं है। विधानसभा सत्र से पहले भी नेता विपक्ष यही बात कहते थे और वो एक 67 में एक महत्वपूर्ण चर्चा लाए और जिसमें हमेशा जो सत्ता पक्ष जो है वो काम रोको प्रस्ताव जो हो कभी स्वीकार नहीं करता। मैं हमने अपने 18 वर्ष के राजनीतिक जीवन में हमने कभी विधानसभा में इस तरह का डिस्कशन के ऊपर जो है वो चर्चा होते हुए जो है वो नहीं देखी। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदार दिल से जो है वो इसमें चर्चा का समय दिया, जबकि चर्चा में समय मात्र 2.5 घंटे का होता है और उसके बाद सरकार को जो है उत्तर देना होता है। लेकिन 2 दिन तक चर्चा चलती रही, तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। कोई सार्थक आरोप जो है वो नहीं लगा पाए, मात्र ये कह देना कि भ्रष्टाचार हुआ है, इससे बात नहीं बनती है जब तक सबूत जो है वो सामने लेकर के ना आए। मैं समझता हूँ कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है, भ्रामक हो चुका है। वो हमेशा नए नए मुद्दे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2.5 वर्षों के कार्यकाल में उनके लिए कोई भी ऐसा सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं सुन रहा था इन नेताओं के विषय में, इनके और भी छोट भैया या छोटे मोटे नेता जो कह रहे थे, ये कभी सोचा था जवाहरलाल नेहरू जी ने? और फिर उसके बाद सपना जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हुआ था और उस सपने को इच्छा थी राजीव गांधी जी को साकार करने की, लेकिन ये नहीं कर पाए। जो काम अटल जी ने जिसको अपना एक जीवन का उद्देश्य बना करके उन्होंने एक पूरी तरह से उसमें उसका फाउंडेशन भी किया और फिर 2014 तक जो 14 तक जो है वो इसके ऊपर मात्र 3 किलोमीटर ही स्वर्ग बन पाई। जैसे ही केंद्र में NDA की सरकार आई और आते ही इस काम की जो है वो काम में तेज़ी आई और अपने 2020 तक आते आते हमने जो है वो इसका जहाँ उद्घाटन भी किया और लोगों को समर्पित किया है। फल तो विपक्ष रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई मात्र कोरोना काल में ये सिर्फ आरोप लगाने का काम ये लोग करते रहे हैं। चाहिए ये था कि एक सकारात्मक सहयोग जो है वो सत्ता में आकर के सरकार का जो है वो करते। इन्होंने कोरोना कार्यकाल के अंदर ये अपने आप को घरों तक ही जो है वो इन लोगों ने सीमित रखा, जबकि सरकार पूरी तरह से जनता के बीच में जाकर के लोगों के सुख दुख में जो है वो भागीदार रही। अगर सरकार के बाद कोई पार्टी जो है वो सरकार के साथ इस काम में दिखती थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो है वो सरकार ने भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है वो बढ़िया काम जो है इसमें किया है। और आज इस तरह के आरोप लगाना जो है वो निरर्थक है, ये मेरा कहना है। बात जो है वो किसानों को एक आज़ादी मिली है, खड़े थे आज भी जो है वो कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी है। मेरा तो ये कहना है कि आज कांग्रेस जो है और विपक्ष जो है वो सड़कों में दिख रहा है, लेकिन किसान जो है वो खुश है। और आप हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं कि छोटा सा प्रदेश है लेकिन यहाँ का जो किसान है वो कोई भी जो है वो इनके पक्ष में जो है वो नहीं खड़ा है। और आज जहाँ सरकार और जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।